आप अपना एक हाथ लो, सब लोग स्टूडेंट्स एक हाथ लो, एक उंगली लो और ये करो, दो उंगली लो, तीन उंगली लो, चार लो, पांच लो, अगर आज हम लोग एक होके लड़ेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, दो होके लड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, तीन होके लड़ेगा कुछ नहीं होगा, अगर पांच हम लोग सब पीपरा सा बन के अगर हमने लड़ा तो ये मिलेगा आपको। सॉल्यूशन नेता में नहीं है, सॉल्यूशन आपके अंदर है। सॉल्यूशन भाषण में नहीं है, सॉल्यूशन आपके दिमाग में है। बुबागरा आपका जो बुबागरा वो आपके दिल में है, वो थनसा आपके दिल में होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स लोग, मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं, यू नो आई एम सेइंग ऑल दिस टू यू ऑल बिकॉज आई हैव होप इन यू। मैं आपके, जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं तो मेरे अंदर एक आशा है कि जो उसने नहीं किया नहीं किया, लेकिन मेरा जो यंग जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, बुरुई हो, सेकला सिकली जो भी हो, आप लोग पिपरा सा पिपरा जक हो, आप लोग त्रिपुरा के लिए कुछ करना चाहते हैं, करना चाहता है कि नहीं, तो आज मेरा पूरा स्पीच, मैंने कोई पार्टी के बात नहीं किया, मैंने कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं किया, मैंने सिर्फ पिपरासा को एक होने का बात किया और पिपरासा को स्ट्रांग होने के लिए बात किया। और जो सबसे पीछे बैठा है वहां में मोबाइल फोन में, पबजी तो बैन हो गया है, अब क्या खेल रहा है आपको मन में मालूम नहीं, या फिर वीपीएन चेंज करके पबजी खेल रहा है या कुछ और खेल, जो सबसे पीछे बैठा है ना, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, स्कूल में मैं भी सबसे पीछे बैठता था, लेकिन जिंदगी में सामने से लीड कर रहा हूं। तो जो लोग आपको बोलता है सीरियस हो जाओ, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिंदगी में जो आप स्कूल में सीखेगा, जिंदगी में जो आप कॉलेज में सीखेगा, वो सिर्फ 10% है, लेकिन जो स्कूल और कॉलेज के बाहर आप जो सीखेगा वो आपका जिंदगी बनाएगा, क्योंकि कॉलेज और स्कूल सिर्फ 10% है। और वो जो बाहर 90% आप सीखेगा, उसमें आपको एक चीज क्लियर रखना है, दिल सफा रखो और ईगो और अहंकार को दूर रखो, दोस्त बनाओ, प्यार से बात करो, इज्जत करो। हम लोग का जो पिपरा सा लड़का लोग है, पिपरा जग का इज्जत करो। और जो हम लोग का पिपरा जग है, आप भी पिपरा सा को समझाओ कि कल्चर सिर्फ बुरे लोग नहीं करेगा, कल्चर को पिपरा सा को भी करना है। नेक्स्ट ईयर यहां में जो टीआईएसएफ के इंचार्ज है, आपके कन्वेनर्स हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, आपके अभी कन्वेनर्स हुआ है, उसके बाद प्रेसिडेंट बनेगा। नेक्स्ट ईयर मैं चाहता हूं कि यहां में फ्रेशर्स बड़े तरीके से हो, बाहर से कोई कलाकार को भी लिया जाए, शाम को यहां में शाम को एक कल्चरल इवनिंग भी हो, सब जगह में टीआईएसएफ का फ्लैग हो, सबको लगना चाहिए कि टीआईएसएफ भी प्रोग्राम अच्छे तरीके से कर सकता है।